हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया खास। तो आप देखना सभा कैसे बांधे और वर्ल्ड फेमस सभा बांध के मैं बताऊंगा आपको कैसे सभा बांधे। ध्यान से देखोगे आप भी सीख पाओगे। ये मोंटू भैया सीखने के लिए आया सभा और राहुल भैया के मैं अभी सभा बांध के बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखना। मोंटू भैया, आप सभा सीखने के लिए आए, कहाँ से आए आप? मैं जैसलमेर से। ओके, देखो तो ये जैसलमेर से आए जोधपुर सभा देखने के लिए और छापा सीखने के लिए। तो देखो जोधपुर छापा बांधूंगा, पूरा छापा खोले। देखो पहले छापा पूरा खोलते हैं। ये छापा पूरा खोल दिया। अब देखो मोंटू भैया, यहां से देखो ऐसे रखने का है। आप कैमरे को थोड़ा आगे ले आओ भैया। लो यहां से पकड़ो आप। तो मोंटू भैया, ये सिर के बीच से यहां से लेने का है ऐसे, फिर हाथ यहां से ऐसे रखने का, ये कान के नीचे से लेना। भैया थोड़ा कैमरा इधर ले आओ, ये देखो ऐसे रखने का, फिर वापस वाला दूसरा पट्टा भी ऐसे। लेकिन भैया पूरा कान के नीचे से लेना। हाँ, ये कान के नीचे से लेना, ये दूसरा पट्टा भी ऐसे लेना, फिर तीसरा पट्टा भी ऐसे लेना। कितने पट्टे लेने? ये चार पट्टे ऐसे लेने। चार ऐसे लेने? अच्छा, ये चारों पट्टे ऐसे लेने। अच्छा, फिर उसके बाद? इसके बाद में हाथ हम पकड़ा हुआ इनको छोड़ा देने का, फिर छापा को थोड़ा पीछे से ऊपर करने का। पीछे से ऊपर करूं? फिर आगे से थोड़ा ऊपर करना, फिर यहाँ से वापस ऐसे लो, ऐसे मतलब चार पट्टे वो ऐसे की और पांचों ऐसे वापस ऐसे। अच्छा, फिर ये ऐसे कितने पट्टे करने पड़ेंगे? ये भी चार पांच पट्टे। अच्छा, ये कान के ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर वापस ऊपर ले लेने का ऐसे। अब देखो पट्टा बनाना सीखो आप। मेन चीज क्या है? पट्टा बनाना नहीं आता। तो पट्टा कैसे बनाते? ये पूरा छापा, इसका दो भाग करो, फिर दो का चार करो, फिर ये ऐसे। खाली चार भाग करने? चार भाग करने। चार भाग करने के बाद पूरा ऐसे कर देना। प्रिंट प्रिंट करनी चाहिए। ये क्या प्रिंटेड छापे को जैसे रखते हैं, जैसे पचरंगी हो ना, तो पचरंगी में क्या हर पट्टे अलग वाली अलग रखने पड़ते हैं। अच्छा, ये प्रिंटेड है ना, तो प्रिंटेड को खाली एक पट्टा ही लास्ट वाला ही अच्छा दिखना चाहिए, बाकी नहीं दिखे चले, नहीं दिखे तो चले। फिर यहाँ से पीछे देखो, पीछे से ये कैसे लेते हैं? कई लोग ऐसे साफात बांध देते हैं लेकिन पीछे से वो कैसे लेते हैं वो ध्यान से देखो। ये राहुल भैया, यार आपके बाल बड़े हैं भाई, कटवा दो बाल, कटवा दो क्या यार? आप सीखो इसको। हड्डी बारे में फिर क्या करने का? सिर ढकने का। ये बाल दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे फिर डालते हैं। फिर ये देखो आगे से थोड़ा कान देखो, आंख के ऊपर है, कान घुमा हुआ है, इसको सीधा कर दो ऐसे। फिर आंख के ऊपर से थोड़ा ऊंचा ले लो। फिर यहाँ पे क्या है? कई लोग ऑल पिन लगाते हैं, एक यहाँ पे ऑल पिन, एक यहाँ, पता नहीं उसके बाद से हटा जाता है। उसके बाद ये साफा रेडी है, इनको खत्म कर दो। यार सर, मेरे को समझ में नहीं आया, एक से रुक, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो वापस खोल के बांध बांध देते हैं, आपको और समझा देते हैं। आप इसे बताओ सर, मेरे को तो समझ भी नहीं आया। समझ नहीं तो भैया मैं इनको वापस साफा बांध के बताएंगे, आप भी ध्यान से देखना। थोड़ा धीरे धीरे बांधना, धीरे धीरे बांधो। ओके, धीरे धीरे बांध के बताता हूँ इन भैया को, थोड़ा समझ नहीं है मोंटू भैया को, तो वापस बता दें, क्योंकि मोंटू भाई पहली बार देख रहे हैं साफा बांधते। इन्हें पहना भी होगा कई बार, पहना साफे बहुत पहने, लेकिन अपने बांध के नहीं देखे, बंधे हुए पहने। तो देखो ये भैया को मैं बताता हूँ कैसे। देखो भैया खोलने के लिए पहले ये खोल देते। अच्छा, फिर ऐसे खोलने के बाद में पूरे आटे खोल देते हैं, साफे को पूरा खोल देते। सर मैं ऐसे कंटिन्यू देखूंगा कितने दिन में सीख जाऊंगा? करीबन आप 2 दिन में सीख जाओगे, 2 दिन नॉर्मली साफा बांधना। फिर तो ऐसा है कि जितना ज्यादा साफा बांधोगे ना उतना ज्यादा सीख पाओगे। अच्छा,
तो अब देखो और जट को तो भाई बीजू कहीं ला, यहां से देखो ये ज्यादा बाल है ना, ऐसे कर अब देखो ध्यान से, ये क्या सिर के बीच से आना अच्छा ऐसे चाहिए, बीच से बीच से आना चाहिए ऐसे, तो देखिए तो फिर ये यहाँ से आँख के नहीं नीचे का नीचे से आना चाहिए आपके ऊपर से इतना था। तिरछा अच्छा सा आना आईब्रो के चाहिए, पास से अच्छा आईब्रो के पास से, एकदम आईब्रो के पास से, यहाँ से भैया देखो आईब्रो के पास से यहाँ से आएगा पता, कान के नीचे से, अब देख लो ये देखो आया ना हाँ एकदम आईब्रो के पास से ब्रो कान के नीचे से, फिर वापस यहां से देखो ये कितने 5 पट्टे लगाने से 4 पट्टे, आप 4 लगाने भूल जाते हैं याददाश्त कमजोर है, मेरे को लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है, सीख जाओगे धीरे धीरे सीख जाओगे, बेजान पाओ बस, कितने हो गए पट्टे, ये तो 3 हुए ये तीन, तो ये क्या हुआ चौथा पट्टा चौथा पट्टा, 4 पट्टा लेने के बाद हम क्या करना है, सांपे को पीछे से ऊपर करना, ऊपर फिर क्या करना है 4 के बाद ऊपर करना है 4 के बाद में ऊपर करने का, कैसे ऊपर करना, आग के ऊपर आए हैं तो ये भी ऊपर करना, फिर ऐसे ही 4 पटे और दो, ये विचार और देने 4 और दिन, एक हाँ। ये हो गया, दो ये हो गया, तीन और ये हो गया, 4, 4 पटे हो गए, देखो पीछे से ऊपर कर देना आगे से ऊपर कर देना, ज्यादा ऊपर नहीं करना, ज्यादा ऊपर करोगे सिर से शाफ ऊपर हो जाएगा, फिर इसको पट्टा बनाना, पट्टा बनाना सीखे नहीं आप, इसको पूरा खोलो हाँ फिर इसका 2 भाग करो, अच्छा फिर ऐसे रखो यहां से, ऐसे पूरा ये से पूरा लेना पट्टा लंबा लेने का, फुल प्रिंट पूरी दिखनी चाहिए ये, तो यहां से ऐसे दबा के लेने का थोड़ा खींच के, लास्ट पता है ना खींच के, या पीछे आओ आप, पीछे आओ देखो, और पीछे से कैसे लेते हैं, ये आ गया पट्टा, ये इसको ऐसे रखते हैं, जो मेन पट्टा था ना पहले का वो इसको ऐसे ऐसे ऊपर रखो दबाना है हाँ ऊपर से वापस नीचे से लेने का खींच अच्छा के, फिर हाँ यहां से डालना है ऐसे, स्लोर खाली करके मतलब नीचे, ऐसे आएगा ऐसे घूमकर वापस ऊपर चला बस जाएगा आप कौन सा समझे, नीचे वाला पता जो दबा बस के रखा था बस बस समझ गए आप, ऐसे तो जल्दी 1 दिन में सीख जाओगे, ज्यादा ट्राई करोगे ना 1 दिन में सीख पाओगे, आप अपनी शॉप पे रखते हैं यार, लेकिन ये काम करे तब रखेंगे, अभी आए हैं देखेंगे कैसे टैलेंट है इसके पास, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, मैं 10 ही मैं 10वीं तक, अब क्या करते हो आप, टाइम बैठा मजदूरी का ओ टाइम पास टाइम पास मत करो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करने के लिए तो आपके पास आए हैं वाह नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ नया, ये क्या साफे का मेन पता है ना, ये प्रिंटेड में ऐसे रहते हैं, पचरंगी है सतरंगी है वो रहते हैं ना, हाँ उसमें क्या कि पट्टे भाई पट्टे कलर देखते हैं, प्रिंटेड में क्या प्लेन रहता है, प्लेन ये है पंख, इसको बोलते हैं मोर पंख, क्या बोलते हैं मोर पंख मोर पंख, अच्छा इसको वो यहां मोर से ऐसे खोल ऐसे के, ऐसे हाँ करता है ये उसी तरह है बस मोर की तरह ये ऐसे रहते हैं, इसको क्या और पिन से दबा देने का, यहाँ से ऐसे दबा देंगे एकदम मोर की तरह, सत्तर करता है मोर उसकी तरह, जगह ये एक तो और पिन यहाँ पे रखने की, ये यहाँ पे रखने की, ये देखो राहुल भैया कितना अच्छा लगता है साफा बंदा हुआ, तो आप देखो ये जैसे ये है ना, इसको तो ऐसे रखने का अंगुली से करने का, साफा ऊपर नहीं लेने का, बरोबर, अब सीखे थोड़ा ध्यान में थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा समझ में आया थोड़ा समझ में आया, ऐसे आप सीख जाओगे, आप 2-3 बार 4 बार मानोगे ना तभी सीख पाओगे, क्योंकि तो 1 बार में 2 बार में कुछ नहीं होता है, कई बार कोशिश करोगे तभी जाके सीख पाओगे, बराबर भैया थोड़ा खड़े हो आप बताओ साफा कैसे बंदा हुए आपके, ये इसको बोलते हैं छिरंगा, मोटू भैया इसको बोलते हैं छिरंगा, सुरंगा हाँ छिरंगा को क्या है, अब लंबा भी रख सकते हो छोटा भी रख सकते हो, यह तो क्या बरोबर है, क्योंकि ज्यादा लंबा भी नहीं, साफे का मेन चीज क्या है, ज्यादा लंबा रखोगे पैर में आएगा ना, तो हाँ साफे की इज्जत होती है अपने भी, सिर की इज्जत साफा सही है, तो देखो धन्यवाद।
दोस्तों, तो आप भी जल्दी सीख पाओगे। तो मोंटू भाई आपका क्या कहना है कि ये भी जल्दी सीख पाओगे? हाँ बिल्कुल ही भाई, जल्दी सीख पाएगा, जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि जल्दी बांधेंगे तभी सीख पाएगा। ओके, धन्यवाद।